हाय दोस्तों, आईटिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। रोजाना हम नई और मजेदार ऐप के बारे में जानते रहते हैं, मगर आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खास ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही कमाल की है। इस तरह की ऐप ज्यादातर प्ले स्टोर पर नहीं होती। अगर आपको ये ऐप पसंद आती है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग इस ऐप के बारे में जान सके। दोस्तों, हर साल कर्नाटक राज्य में औसतन 70 लोगों की मौत बिजली गिरने से होती है। पिछले 9 सालों में बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या 625 से ज्यादा बताई गई है, और इस साल तो फरवरी और मार्च में ही 19 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी दुर्घटनाओं से लोगों को, जानवरों को और घरों को बचाने के लिए कर्नाटक स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर KSNDMC और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सिंदूल, जो लोकेशन के हिसाब से बिजली गिरने का पहले से ही अनुमान करके दे सकता है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप बिजली गिरने से 45 मिनट पहले ही वार्निंग जारी कर देगा। ये वार्निंग आपको लाल रंग में दिखाई देगी जिसमें बताया जाएगा कि आप एक डेंजर जोन में खड़े हैं। एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बिजली गिरने की संभावना 90% तक की है। इसी तरह से ऐप में आपको नारंगी रंग की वार्निंग बताएगी 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और पीले रंग की वार्निंग बताएगी 15 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बिजली गिरने की संभावना है। स्क्रीन पर आने वाला ग्रीन पॉपअप आपको बताएगा कि आप सेफ इलाके में हैं। सरकार ने यह भी बताया कि इस ऐप को US की एक कंपनी अर्थ नेटवर्क ने तैयार किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस ऐप में ये भी जानकारी दी गई है कि बिजली गिरने की संभावना होने पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। कंपनी ने राज्य के अलग अलग स्थानों पर 10 ऐसे सेंसर इंस्टॉल किए हैं जिससे बिजली गिरने की घटनाओं को वो पूरी तरीके से ट्रैक कर सकें, और इस प्रोजेक्ट में हर साल 50 लाख रुपए खर्च होंगे। फिलहाल ये ऐप अभी अफ्रीका और अमेरिका सहित कुल 90 देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिन किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके बारे में पूछे जाने पर सरकार ने कहा कि उन्होंने 28 लाख किसानों का मोबाइल नंबरों का डेटाबेस तैयार किया है जिन पर बिजली गिरने की स्थिति में अलर्ट मैसेज भेज दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसा अलर्ट मैसेज कृषि, बागवानी, रेवेन्यू, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग को भी भेजा जाएगा। तो आपका इस ऐप के बारे में क्या कहना है? क्या इस तरह की ऐप आपके शहर के लिए भी बननी चाहिए? जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर ताकि और लोगों को इस ऐप के बारे में जानकारी मिल सके। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिंपल आपको इस आइकॉन पे क्लिक करना है, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस आइकॉन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जाते जाते इन दोनों वीडियो को भी देख लीजिएगा, शायद आपके लिए यूजफुल हो। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।